हे गाइस, वापस आपका भाई आपके लिए लेके आ चुका है लो एंड दी ऑफलाइन। इस बार के गेम काफ़ी डिफरेंट होने वाले हैं क्योंकि लोगों में सिर्फ एक ही गेम है जो बड़ी साइज का है, लेकिन वो गेम भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। लेकिन एक डिस्क्लेमर, आप अगर इसमें कोई भी गेम डाउनलोड करते हो तो अपना इंटरनेट कनेक्शन और किसी भी ऑन मत रखना, वरना ऐसे आपका मूड पूरा ख़राब हो जाएगा। ये गेम काफ़ी ज़्यादा अच्छे होने वाले हैं। सिर्फ एक गेम 100 MB से ज़्यादा का साइज का है, लेकिन वो गेम भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है और बाकी के सारे गेम्स 100 MB से कम है। हमारा पहला गेम है वर्ल्ड क्राफ्ट बिल्डिंग। ये एक माइनक्राफ्ट जैसा गेम है, लेकिन इस गेम की स्पेशल बात है कि ये गेम सिर्फ और सिर्फ 25 MB का गेम है। ये आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगा। ये गेम देखने में और खेलने में माइनक्राफ्ट जैसा लगता है, लेकिन माइनक्राफ्ट पेड है और ये गेम फ्री है। ये गेम आपको सिर्फ 25 MB में मिलेगा। कोई इनिशियल डाउनलोड कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ गेम डाउनलोड करो, इंटरनेट ऑफ करो और खेलो। ये गेम काफ़ी ज़्यादा अच्छा मुझे तो लगा इसकी साइज़ के हिसाब से। इसकी ग्राफिक्स भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। अगर आप ये गेम खेलोगे तो आपको ऐसा ही लगेगा कि आप माइनक्राफ्ट खेल रहे हो, आपको फील ही नहीं होगा कि ये माइनक्राफ्ट जैसा एक क्लोन गेम है। ये गेम मुझे तो बहुत ही ज़्यादा पसंद आया। मैं पर्सनली माइनक्राफ्ट का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, इसलिए मुझे ये गेम काफ़ी ज़्यादा पसंद आया। हमारा जो नेक्स्ट गेम है वो है शेडो स्केट। ये गेम का साइज़ सिर्फ और सिर्फ 8.7 MB का है। सोचते हो आप कितनी कम साइज़ का गेम है, लेकिन साइज़ के वजह से गेम प्ले में कोई कॉम्प्रोमाइजेशन नहीं है। ये गेम काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। इसकी ग्राफिक्स आपने वेक्टर गेम खेला होगा वैसी देखने को मिलती है। इस गेम में आपको स्केट करना होता है और लेवल्स को कंप्लीट करना होता है। ये इस गेम को आप ज़रूर ट्राई करना। हमारा जो ये वाला गेम है इसका नाम है जॉम्बी रोड रेसिंग। क्या होगा अगर आप हिल क्लाइंब रेसिंग में जॉम्बीज को डाल दो? जवाब है जॉम्बी रोड रेसिंग। इसमें आपको हिल क्लाइंब रेसिंग की तरह अपना हाई स्कोर बीट करना होता है और रास्ते में जो जॉम्बी आएंगे उनको अपनी कार से कुचलना होता है। ये गेम भाई काफ़ी ज़्यादा फन है। गेम का साइज़ सिर्फ 8.7 MB है। ये प्ले स्टोर पर आपको मिल जाएगा और ये गेम पूरी तरह से ऑफलाइन है और ये गेम काफ़ी ज़्यादा अच्छा। इसे ज़रूर ट्राई करना आपको हिल क्लाइंब रेसिंग पसंद है तो। इस गेम की ग्राफिक्स कार्टूनी स्टाइल की है जैसे हिल क्लाइंब रेसिंग में होती है, लेकिन जॉम्बी वाला ये टच काफ़ी अच्छा है, तो इस गेम को ज़रूर ट्राई करना। हमारा जो नेक्स्ट गेम है वो है स्काई फाइटर। लास्ट टाइम मैंने आपको हेलीकॉप्टर से कॉम्बैट करने वाला गेम दिया था। इस बार आप मिलिट्री जेट को उड़ाओगे और अपने एनिमीज़ को ख़त्म करोगे। इस गेम की कंट्रोल्स काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं उस पुराने वाले गेम की कंपैरिजन में और इस गेम का साइज सिर्फ और सिर्फ 19 MB है। सोच रहे हो 19 MB साइज़ के हिसाब से इस गेम की ग्राफिक भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। और इस गेम में आपको एनिमीज़ को शूट करना है और लेवल्स कंप्लीट करने हैं। जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे लेवल्स टफ होते जाएंगे, लेकिन आप अपने जेट को अपग्रेड कर सकते हो और नए जेट भी बाय कर सकते हो। ये गेम एक काफ़ी ज़्यादा अच्छा गेम है, तो इसे ज़रूर ट्राई करना। हमारा जो नेक्स्ट गेम है वो है बिलर्ड। ये गेम सिर्फ और सिर्फ 2.6 MB का गेम है। सोच रहे हो सिर्फ और सिर्फ 2.6 MB का। ये गेम आपको ऑफलाइन तो देखने को मिलेगा ही और ये एक पूल गेम है। आपने शायद 8-ball pool करके एक गेम खेला होगा, ये उसी की तरह है, लेकिन यार 2.6 MB और गेम पूरी तरह से ऑफलाइन होने वाला है। ये गेम अपने साइज़ के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा सही है। गेम्स की इस गेम की ग्राफिक भी ठीक ठाक है, तो आप इस गेम को ट्राई कर सकते हो अगर आपको पूल पसंद है तो। मेरी तरफ से ये एक अच्छा गेम है। हमारा जो नेक्स्ट गेम है वो है वर्ल्ड फुटबॉल लीग। आपने कंसोल और पीसी पे फीफा गेम देखा होगा, ये गेम बिल्कुल उसी की तरह है। ये गेम आपको सिर्फ और सिर्फ 70 MB में मिलेगा। साइज़ के हिसाब से इसकी ग्राफिक काफ़ी ज़्यादा सही है और ये गेम काफ़ी ज़्यादा फन है। पहले आपको थोड़ा गेम सीखना होगा, पहली मैचेस थोड़ी टफ लगेंगी, लेकिन जैसे आप इसके कंट्रोल सीख जाओगे ना यार, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा। इस गेम को यार ज़रूर ट्राई करना, ज़रूर ट्राई करना। ये गेम काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। ये गेम मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा और गेम का साइज़ भी कुछ ज़्यादा नहीं है, सिर्फ 70 MB। यार इतना तो हम वीडियोस देखने में उड़ा देते हैं। हमारा जो नेक्स्ट गेम है वो है स्नोबोर्ड मास्टर। ये गेम भी सिर्फ और सिर्फ 19 MB का है। इस गेम में आपको स्नो पे स्नोबोर्ड से रेस लगानी होती है। आप स्टंट्स करते हो
और अपने स्पीड बूस्ट करके बढ़ाते हो और आपको आगे जाना है, स्टंट्स करने हैं, रेसेस जीतनी है। जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे रेसेस टफ होती जाएंगी और आपको ज़्यादा अच्छे अच्छे स्केटबोर्ड बाय करने होंगे और अपनी स्किल्स को भी अपग्रेड करना होगा। ये गेम अपने साइज़ के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। ये गेम मुझे बहुत ही ज़्यादा यूनिक लगा क्योंकि ऐसे गेम्स प्ले स्टोर पर बहुत ही ज़्यादा कम है, तो इस गेम को ज़रूर ट्राई करना। हमारा नेक्स्ट गेम है गन वॉर। ये एक ऑफलाइन थर्ड पर्सन शूटर गेम है। ऐसा ही मेरे पहले वीडियो में शायद से मैंने आपको बताया था, ये गेम भी उसी की तरह है, थर्ड पर्सन कवर शूटर गेम है। ये गेम भी काफ़ी ज़्यादा, मैंने इस गेम को पर्सनली खेला, मुझे पसंद आया, इसीलिए मैं आपको बताता हूँ। गेम की ग्राफिक भी डिसेंट है तो आपको खेलने में ज़रूर मज़ा आएगा, तो इस गेम को ट्राई करना। हमारा जो नेक्स्ट गेम है वो है वॉकिंग ज़ॉम्बी 2। मैंने एक आपको कहा था कि एक गेम 100 MB से ज़्यादा की साइज़ का है। इस गेम को आप प्ले स्टोर से डाउनलोड करोगे तो 60 MB दिखाएगा। आप डाउनलोड करोगे फिर गेम को ओपन करते वक्त आपको एक 92 MB की फाइल डाउनलोड करनी है, उसके बाद आपको कुछ भी डाउनलोड नहीं करना है। ये गेम एक स्टोरी बेस्ड RPG FPS शूटिंग गेम है। ये गेम काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, मेरा ये बहुत ही ज़्यादा फेवरेट गेम है। मैंने पता नहीं इस गेम को कितनी बार डाउनलोड किया, कितनी बार डिलीट किया। इस गेम की ग्राफिक थोड़ी लो पॉली स्टाइल की लग सकती है, लेकिन ये गेम काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। ग्राफिक्स के हिसाब से इसको जज मत करना, तो इस गेम को आप पर्सनली ज़रूर ट्राई करना। हमारा जो नेक्स्ट गेम है वो है हेल राइडर 3। ये गेम रोड रैश, आपने गेम देखा होगा या रोड रिडम्पशन, ये गेम उसी की तरह है। आपको रेस करनी है, ड्राइव करना है, आपको आपके रास्ते में बहुत सारे एनिमीज भी आएंगे, बाइकर गैंग के, और आपको उन्हें मारना है और ख़ुद की जान बचानी है और आगे बढ़ना है। गेम की ग्राफिक काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। गेम आपको प्ले स्टोर पर सिर्फ और सिर्फ 94 MB का मिलेगा। साइज़ के हिसाब से इसकी ग्राफिक बहुत ही ज़्यादा अच्छी है और गेम खेलने में आपको काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा। मैंने इस गेम को खेला और भाई जो मज़ा आया ना, आप ऑफिशियली रोड रिडम्पशन भी खेल सकते हो, लेकिन उसका साइज़ बहुत ही ज़्यादा बड़ा है, इसीलिए ये एक प्ले गेम है अगर आपको कम साइज़ में चाहिए। ये गेम काफ़ी ज़्यादा फन है और यूनिक बाइक रेसिंग गेम है, तो आप इस गेम को ज़रूर ट्राई करना। तो आपको अगर आज की वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब और कमेंट में बताना नेक्स्ट वीडियो आपको किस गेम पे चाहिए। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। और हाँ, जल्दी से भी भूलना मत कमेंट कीजिए, गेम रेकमेंड करो यार, ताकि आपको एक अच्छा यूनिक गेम मिले। बाय बाय।